नमस्कार, मैं अजय और आप देख रहे हैं जेपी 7 न्यूज। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत विधायक जी ने की साफ सफाई। जी आप बताते चलें कि 15 सितंबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ रहे, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक खुले में शौच मुक्त किया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर शासन और प्रशासन लगा हुआ है। उक्त बातें विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र ने महाराजगंज क्षेत्र के गांधीनगर में नाइस कंप्यूटर सेंटर पर एक गोष्ठी में कही। उसके बाद गांधी प्रतिमा पर उन्होंने और आसपास के क्षेत्रों में झाड़ू लगाकर सफाई भी किया। विधायक जी ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आपके घर के आसपास कोई नाला या नाली है तो उसकी सफाई आप स्वयं करिए। प्लास्टिक के प्रयोग से दूर रहिए, गंदगी से बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, ज्यादातर प्रदूषण से कैंसर होता है। मैं विधायक निधि से 2.25 करोड़ रुपया इलाज के लिए विधायक निधि से कैंसर पीड़ितों के लिए दिया है। कर सफाई भी किया। शिल्पपट की सफाई करने के बाद गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। अपनी उपलब्धियों में विधायक जी ने बताया कि आईटीआई खुलवाने के लिए कड़ेरेपुर गांव में 6 एकड़ जमीन स्वीकृत कराया हूं। फायर स्टेशन बदलापुर में जल्द बनाया जाएगा, उसके लिए समय निर्धारित करने का आदेश आ गया है। 20 करोड़ की लागत से बस स्टेशन बदलापुर में बनने जा रहा है। 31 दिसंबर तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी और 2019 तक 24 घंटा बिजली देने का निर्णय लिया गया है। 1 वर्ष में सभी सड़कें बन जाएंगी। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 70 करोड़ की परियोजना से इस क्षेत्र के लिए मेरे प्रयास से मंजूर किया गया है। ग्राम पंचायत बहोरिकपुर में विद्युतीकरण की शुरुआत विधायक जी ने खंभा गाड़ कर किया। इस अवसर पर विनय सिंह, रमेश मिश्र, माधव फिर मिश्र तथा इंजीनियर सुधांशु पांडे एवं अन्य गणमान्य मौजूद रहे। पेशे एक रिपोर्ट।